डिजिटलाइजेशन, ये हर एक वीडियो क्रिएटर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके किसी भी शेकी वीडियो को एकदम अच्छे से स्टेबलाइज कर देता है, मतलब जो भी शेकीनेस होती है उसको खत्म कर देता है। कुछ लोग वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए गिम्बल का यूज करते हैं तो कुछ लोग अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने वीडियो को ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल का यूज करके भी अपने किसी भी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दो फुटेज दिखाई दे रही होगी। लेफ्ट वाली जो फुटेज है वो एकदम रॉ है, मतलब एकदम शेकी वीडियो है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर राइट वाली फुटेज को जब आप देखेंगे तो उसको मैंने एडिट किया है अपने ही मोबाइल के थ्रू और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कितनी अच्छे से स्टेबल है। तो क्यों है ना कमाल की बात। तो अब जान लेते हैं कि कैसे किया मैंने अपने मोबाइल के थ्रू इस वीडियो को स्टेबलाइज। तो गाइस आप में से काफी सारे एंड्रॉइड यूजर ऐसे होंगे जिनको पता ही होगा कि एंड्रॉइड के अंदर जब भी आप एंड्रॉइड मोबाइल को परचेज करते हैं तो उसके अंदर गूगल की काफी सारी प्री इंस्टॉल एप्स आती है। इन्हीं प्री इंस्टॉल ऐप के अंदर एक ऐप होती है फोटोज। इस फोटोज को वैसे तो कोई यूज नहीं करता है लेकिन आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसको यूज करके आप कैसे अपने जो भी शेकी वीडियो है उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर इस फोटोज ऐप को ओपन कर लेना है और इसके बाद में इसके अंदर स्टार्ट कर देना है वो वाली वीडियो क्लिप जो कि आप स्टेबल करना चाहते हैं। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। इस आइकन का मतलब है कि क्या आप इस वीडियो को स्टेबल करना चाहते हैं, मतलब जो भी शेकीनेस है उसको खत्म करना चाहते हैं। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक छोटी सी प्रोसेस स्टार्ट होगी। उस प्रोसेस के एंड होने तक का वेट कीजिए। एंड होगी तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर काफी अच्छे से आपका जो वीडियो है स्टेबल हो चुका है। तो गाइस इस ट्रिक का यूज करके आप भी अपने सिर्फ फोन का यूज करके ही किसी भी वीडियो को स्टेबल कर सकते हैं बिना किसी महंगे गिम्बल के या फिर बिना किसी पीसी लैपटॉप का यूज किए हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।